केंद्र सरकार पर सरकारी संपत्ति के निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने सोलन जिला मुख्यालय में रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी की अगुवाई में सोलन जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन से पहले युवाओं ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से लेकर मिनी सचिवालय तक रोष रैली भी निकाली। रोष रैली के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश ना बिकने वाला नारा दिया था, देश की जनता को गुमराह किया था और सत्ता हत्याई थी और कांग्रेस पर 70 साल में देश को पीछे ले जाने के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा कि ये पूछते फिरते थे कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया, लेकिन अभी 23 अगस्त को इन्हीं के वित्त मंत्री ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया जिसमें सरकार की संपत्तियों को या तो गिरवी रखने की बात की जा रही है या फिर हमेशा के लिए बेच देने की बात की है। उन्होंने कहा कि देश को अपने ही चंद पूंजीपति सहयोगियों के हाथों बेचा जा रहा है। देश की संपत्ति पर राज करने का एक अधिकार कुछ लोगों को दिया जा रहा है जिसका सीधा असर आने वाले समय में देश की युवा पीढ़ी को देखने को मिलेगा। भंडारी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में जो विकास किया था उसी को मोदी सरकार निजी हाथों में गिरवी रखने और बेचने जा रही है। इसका युवा कांग्रेस विरोध करती है और आने वाले समय में युवा कांग्रेस इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी करेगी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भरता नारे के साथ हमेशा आगे आई है। आज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के निर्णय के लाने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भारत को इस निर्णय के बाद, देश बेचो योजना के बाद, एक नवजात शिशु की तरह बीच चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाजू काट दिए और चुनौती देते हैं कि अब आप आत्मनिर्भर होकर दिखाइए। आप खुद सोचिए कि आज जो 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, देश की जनता के द्वारा, जो देश की जनता की गाड़ी कमाई के द्वारा जितने भी सरकारी संपत्ति तैयार की गई, चाहे वो रेलवे हो, चाहे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे हाईवेज हो, सारी की सारी जो सरकारी संपत्ति है, पिछले सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के निर्णय के बाद, जिसे ब्राउन एसेट के रूप में जाना जाता है, उसके बाद एक ही दिन में पूरे देश को बेचने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इससे यह निर्णय आया है, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश का जो युवा है वो बिल्कुल काफी निराश है, काफी परेशान है। और आज देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर हर जिले में, हर विधानसभा में इस निर्णय का पूरा विरोध हो रहा है। अगर सरकार ने फिर भी इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो युवा कांग्रेस को मजबूरन सड़क से लेकर, चाहे विधानसभा तक की लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे सड़क से लेकर, चाहे संसद का घेराव भी करना पड़े, तो युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी।